अब ये बात तो जग जाहिर है कि जहां दो तलवारें एक मैदान में आ जाए तो टकराती ही हैं। इन शॉर्ट कंपटीशन होता रहता है, तो सौतनों के भी लाइफ में यही फंडा है जी। जहां दो सौतने एक साथ सामने आ जाएंगी तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन ही करेंगी, तो यहां पर तो ऑफिशियल कंपटीशन हो गया, कहां क्या मीत में। जी हाँ, दोनों सौतने लड्डू बनाने के कॉम्पिटिशन में लगी पड़ी है। क्या है ना, द विनर विल गेट अ प्राइज। ये कैसा कंपटीशन है, हे गणेश जी की आरती मीत के साथ, हे जिसे भी करनी है ना उसे पहले हे लड्डू बनाने होंगे। इनकी जो माता श्री है ना, उनके पास कोई काम नहीं रहता, तो पूरा दिन बैठ के वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो बस उनके मन में आया, मेरी बेटी तो लड्डू एक्सपर्ट है, तो चलो तुम दोनों लड्डू बनाने का कंपटीशन करो। सबसे ज्यादा लड्डू जिस बहू के बनेंगे उसे मौका मिलेगा मीत अलावत के साथ आरती करने का। अब भाई बर्फी देवी, ये आइडिया आपको आया कहाँ से? मीत हुडा और नीलम ये दोनों तो सौतन है, सौतनों के बीच वैसे ही कंपटीशन होता है, लेकिन गणपति जी की आरती को लेकर भी कंपटीशन होगा। ये तो भाई नया तरीका है। ये शुरू हुआ काउंटडाउन और दोनों ने लड्डू बनाना शुरू भी कर दिया। जहाँ तक मीत हुडा को लगता है कि लड्डू बनाने में नीलम ना एकदम तेजी से आगे बढ़ रही है, उसने तो अभी से ही कह दिया है कि भाई नीलम जीत जाएगी। ये देवी जी जीत रही हैं, तो अपेरेंटली ये लड्डू एक्सपर्ट है, और इन्होंने आधा घंटा भी नहीं होने दिया और सारे लड्डू बना लिए। भगवान ही जाने मैं कैसे जीतने वाली हूँ, जीतने देना बहन, देखते हैं। Let's see, but थोड़ा difficult है। अगर नीलम जीतेगी तो मीत अलावत के साथ गणपति जी की आरती क्या नीलम करेगी? अब मीत थोड़ा आपके रहते ये तो हो नहीं सकता है। अब बप्पा जरूर कोई चमत्कार करेंगे, तब कहीं जाकर आप ना अपने पति के साथ गणपति बप्पा की आरती कर पाओगे, और हम जानते हैं ये चमत्कार जरूर होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।